आज की हमारी कहानी है बदला, जिसके रचनाकार हैं अज्ञेय। बदला लेने का इससे खूबसूरत तरीका शायद कोई और नहीं हो सकता। आओ कहानी सुनो संवेदना साहित्य। अंधेरे डिब्बे में जल्दी जल्दी सामान थे। गोद के आबिद को खिड़की से भीतर सीट पर पटक बड़ी लड़की जुबैदा को चढ़ाकर सुरैया ने स्वयं भीतर घुसकर गाड़ी के चलने के साथ एक लंबी सांस ली और पाक परवरदिगार को याद किया। तभी उसने देखा कि डिब्बे के दूसरे कोने में चादर ओढ़े जो दो आकार बैठे हुए थे वे अपने मुस्लिम भाई नहीं सिख थे। चलती गाड़ी में स्टेशन की बत्तियों से रह रहकर जो प्रकाश की झलक पड़ती थी उसमें उसे लगा उन सिख की स्थिर अपलक आंखों में अमानुषी कुछ है। उनकी दृष्टि जैसे उसे देखती है पर उसकी काया पर रुकती नहीं, सीधी भेदती हुई चली जाती है और तेज धार सा एक अलगाव उनमें है जिसे जैसे कोई छू नहीं सकता, छुएगा तो कट जाएगा। रोशनी इसके लिए काफी नहीं थी पर सुरैया ने मानो कल्पना की दृष्टि से देखा कि उन आंखों में लाल लाल डोरे पड़े हैं और वह डर से सिहर गई। पर गाड़ी तेज चल रही थी, अब दूसरे डिब्बे में जाना असंभव था, कूद पड़ना और एक उपाय होता, किंतु इतनी तेज गाड़ी में बच्चे कच्चे लेकर कूदने से किसी दूसरे यात्री द्वारा उठाकर बाहर फेंक दिया जाना क्या बहुत बदतर होगा? यह सोचती और ऊपर से झूलती हुई खतरे के चेन के हैंडल को देखती हुई वह अनिश्चित सी बैठ गई। आगे स्टेशन पर देखा जाएगा। एक स्टेशन पर तो कोई खतरा नहीं, कम से कम अभी तक तो कोई वारदात इस हिस्से में हुई नहीं है। आप कहां जाएंगी? सुरैया चौंक पड़ी, बड़ा सिख पूछ रहा था। कितनी भारी आवाज थी जो शायद दो स्टेशन बाद उसे मारकर ट्रेन से बाहर फेंक देगा। वह यहां उसे आप कहकर संबोधित करे? इसकी विडंबना पर वह सोचती रह गई और उत्तर में देरी हो गई। सिख ने फिर पूछा, आप कितनी दूर जाएंगी? सुरैया ने बुरका मुंह से उठाकर पीछे डाल रखा था, सहसा उसे मुंह पर खींचते हुए कहा, इटावे जा रही हूं। सिख ने छड़ भर सोचकर कहा, साथ कोई नहीं है? उस तनिक सी देर को लक्ष्य करके सुरैया ने सोचा, हिसाब लगा रहा है कि कितना वक्त मिलेगा मुझे मारने के लिए। या रब, अगले स्टेशन पर कोई और सवारी आ जाए और साथ कोई जरूर बताना चाहिए, उससे शायद यह डरा रहे। यद्यपि आजकल के जमाने में वह सफर में साथ क्या जो डिब्बे में साथ ना बैठे, कोई छुरा भौंक दे तो अगले स्टेशन पर बैठी रहना कि कोई आकर खिड़की के सामने खड़ी होकर पूछेगा किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? उसने कहा, मेरे भाई हैं दूसरे डिब्बे में। आबिद ने चमक कर कहा, कहां मां? मामू तो लाहौर गए हुए हैं। सुरैया ने उसे बड़े जोर से डपट कर कहा, चुप रह। थोड़ी देर बाद सिख ने पूछा, इटावे में आपके अपने लोग हैं? हां। सिख फिर चुप रहा। थोड़ी देर बाद बोला, आपके भाई को आपके साथ बैठना चाहिए था, आजकल के हालात में कोई अपनों से अलग बैठता है? सुरैया मन ही मन सोचने लगी कि कहीं कमबख्त ताड़ तो नहीं गया कि मेरे साथ कोई नहीं है। सुरैया ने बुरका मुंह से उठाकर पीछे डाल रखा था, सहसा उसे मुंह पर खींचते हुए कहा, इटावे जा रही हूं। गाड़ी की चाल धीमी हो गई, छोटा स्टेशन था। सुरैया असमंजस में थी कि उतरे या बैठी रहे। दो आदमी डिब्बे में और चढ़ाए। सुरैया के मन ने तुरंत कहा, हिंदू, और तब वह सचमुच और भी डर गई और थैली पोटली समेटने लगी। सिख ने कहा, आप क्या उतरी?
सोचती हूँ भाई के पास जा बैठूं। क्या जीव है इंसान कि ऐसे मौके पर भी झूठ की आड़ बनाए रखता है, और कितनी झीनी आड़, क्योंकि डिब्बा बदलवाने भाई स्वयं ना आता। आता कहां से, हो तब ना। सिख ने कहा, आप बैठी रहिए, यहां आपको कोई डर नहीं है। मैं आपको अपनी बहन समझता हूं और इन्हें अपने बच्चे। आपको अलीगढ़ तक ठीक ठाक मैं पहुंचा दूंगा, उससे आगे कोई खतरा भी नहीं है, और वहां से आपके भाई बंद भी इस गाड़ी में आ ही जाएंगे। एक हिंदू ने कहा, सरदार जी जाती है तो जाने दो, आपको क्या। सुरैया ना सोच पाई कि सिख की बात की और इस हिंदू की टिप्पणी को किस अर्थ मिले, पर गाड़ी ने चलकर फैसला कर दिया और वह बैठ गई। हिंदू ने पूछा, सरदार आप पंजाब से आए हो। जी। कहां घर है आपका। शेखुपुर में था, अब यही समझ लीजिए। यही क्या मतलब। जहां मैं हूं वही घर है, रेल के डिब्बे का कोना। हिंदू ने स्वर को कुछ संयत कर, जैसे गिलास में थोड़ी सी हमदर्दी उड़ेल कर सिख की ओर बढ़ाते हुए कहा, तब तो आप शरणार्थी हैं। सिख ने मानो गिलास को जी मैं नहीं पीता कहकर ठेलते हुए एक सूखी हंसी हंसकर कहा, जिसकी अनगूंज हिंदू महाशय के कान नहीं पकड़ सके। जी। हिंदू ने तनिक और दिलचस्पी के साथ कहा, आपके घर के लोगों पर तो बहुत बुरी बीती होगी। सिख की आंखों में एक पल के एक अंश भर के लिए अंगार चमक गया, पर यह इस दाने को भी चुगने ना बढ़ा, चुप रहा। हिंदू ने सुरैया की ओर देखते हुए कहा, दिल्ली में कुछ लोग बताते थे वहां पर उन्होंने क्या क्या जुल्म किए हैं हिंदुओं और सिखों पर, कैसी कैसी बातें वे बताते थे, क्या बताऊं, जबान पर लाते शर्म आती है। औरतों को। सिख ने अपने पास पोटली बनकर बैठे दूसरे व्यक्ति से कहा, काका तुम ऊपर चढ़कर सो रहो। स्पष्ट ही वह सिख का लड़का था, और जब उसके आदेश को पाकर उठकर उसने अपने 16-17 वर्ष के छरहरे बदन को अंगड़ाई से सीधा करके ऊपरी बर्थ की ओर देखा, तब उसकी आंखों में भी पिता की आंखों का ही प्रतिबिंब झलक आया। वह ऊपरी बर्थ पर चढ़कर लेट गया। नीचे सिख ने अपनी टांगे सीधी की और खिड़की से बाहर की ओर देखने लगा। हिंदू महाशय की बात बीच में ही रुक गई थी, उन्होंने फिर आरंभ किया, बाप भाइयों के सामने ही बेटियों बहनों को। सिख ने कहा, बाबू साहब हमने जो देखा है वह आप हमी को बताएंगे। इस बार वह अनगूंज पहले ही स्पष्ट थी, लेकिन हिंदू महाशय ने अब भी नहीं सुनी। मानो शह पाकर बोले, आप ठीक कहते हैं, हम लोग भला आपका दुख कैसे समझ सकते हैं। हमदर्दी हम कर सकते हैं, पर हमदर्दी भी कैसी जब दर्द कितना बड़ा है यही ना समझ पाए। भला बताइए हम कैसे पूरी तरह समझ सकते हैं कि उन सिखों के मन पर क्या बीती होगी जिनकी आंखों के सामने उनकी बहू बेटियों। सिख ने संयम से कांपते हुए स्वर में कहा, बहू बेटियां सबकी होती हैं बाबू साहब। हिंदू महाशय तनिक से अप्रभावित हुए कि सरदार की बात का ठीक आशय उनकी समझ में नहीं आ रहा, किंतु अधिक देर तक नहीं बोले, अब तो हिंदू सिख भी चेते हैं, बदला लेना बुरा है लेकिन कहां तक कोई सहेगा। इधर दिल्ली में तो उन्होंने डट कर मोर्चा लिया है, और कहीं कहीं तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली मसल सच्ची कर दिखाई है। सच पूछो तो इलाज ही क्या है। सुना है करोल बाग में किसी मुसलमान डॉक्टर की लड़की को। अब की बार सिख की वाणी में कोई अनगूंज नहीं थी, एक प्रकट और रड़कने वाली रुखाई थी। बोला, बाबू साहब औरत की बेइज्जती सबके लिए शर्म की बात है, और बहन
यहाँ बैठी सुरैया की ओर मुखातिब हुआ। आपसे मैं माफी मांगता हूँ कि आपको यह सब सुनना पड़ रहा है। हिंदू महाशय ने अचकचाकर कहा, क्या क्या मैंने इनसे कुछ थोड़ी ही कहा है? फिर अपने मन में कुछ संभलते हुए और ढिठाई से कहा, ये आपके साथ हैं? सिख ने और भी रुखाई से कहा, जी अलीगढ़ तक मैं पहुंचा रहा हूं। सुरैया के मन में किसी ने कहा, यह बेचारा शरीफ आदमी अलीगढ़ जा रहा है? अलीगढ़? उसने साहस करके पूछा, आप अलीगढ़ उतरेंगे? हाँ। वहां कोई है आपके? मेरा कौन है, लड़का तो मेरे साथ है। वहां कैसे जा रहे हैं, रहेंगे? नहीं, कल लौट आऊंगा। तो तफरीहन जा रहे हैं? तफरी? सिख ने खोए से स्वर में कहा। तफरी? फिर संभल कर, नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। अभी सोच रहे हैं कि कहां जाएं, और जब टिकाऊ कुछ न रहे तब चलती गाड़ी में ही कुछ सोचा जा सकता है। सुरैया के मन में फिर किसी ने कोच कर कहा, अलीगढ़, बेचारा शरीफ है, मुझे क्या अच्छी क्या बुरी, फिर भी आपको डर नहीं लगता कोई छुरा ही मार दे? सिख ने मुस्कुराकर कहा, उसे कोई नाजाद समझ सकता है, यह आपने कभी सोचा है? कैसी बातें करते हैं आप, और क्या मारेगा भी कौन, या मुसलमान या हिंदू? मुसलमान मारेगा तो जहां घर के और सब लोग गए हैं वहीं मैं भी जा मिलूंगा, और अगर हिंदू मारेगा तो सोच लूंगा कि यही कसर बाकी थी। देश में जो बीमारी फैल रही है वह अपने शिखर पर पहुंच गई है, और अब तंदुरुस्ती का रास्ता शुरू होगा। मगर भला हिंदू क्यों मारेगा, हिंदू लाख बुरा हो ऐसा काम नहीं करेगा। सरदार को एकाएक गुस्सा चढ़ गया। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, रहने दीजिए बाबू साहब, अभी आप ही कैसे रस ले लेकर दिल्ली की बातें सुना रहे थे। अगर आपके पास छुरा होता और आपको अपने लिए कोई खतरा ना होता तो आप क्या अपने साथ बैठी सवारियों को बख्श देते इन्हें, या मैं बीच में पड़ता तो मुझे? हिंदू महाशय कुछ बोलने को हुए पर हाथ के अधिकारपूर्ण इशारे से उन्हें रोकते हुए सरदार कहता गया, अब आप सुनना ही चाहते हैं तो सुन लीजिए कान खोलकर। मुझसे आप हमदर्दी दिखाते हैं कि मैं आपका शरणार्थी हूं। हमदर्दी बड़ी चीज है, मैं अपने को निहाल समझता अगर आप हमदर्दी देने के काबिल होते, लेकिन आप मेरा दर्द कैसे जान सकते हैं जब आप उसी सांस में दिल्ली की बातें ऐसे बेदर्द ढंग से करते हैं। मुझसे आप हमदर्दी कर सकते होते, इतना दिल आप में होता, जो बातें आप सुनाना चाहते हैं उनसे शर्म के मारे आपकी जुबान बंद हो गई होती, सिर नीचा हो गया होता। औरत की बेइज्जती औरत की बेइज्जती है, वह हिंदू या मुसलमान की नहीं है, वह इंसान की है, मां की बेइज्जती है। शेखुपुरे में हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, मगर मैं जानता हूं कि उसका मैं बदला कभी नहीं ले सकता, क्योंकि उसका बदला हो ही नहीं सकता। मैं बदला दे सकता हूं, और वह यही है कि मेरे साथ जो हुआ है वह और किसी के साथ ना हो। इसलिए दिल्ली और अलीगढ़ के बीच इधर और उधर लोगों को पहुंचाता हूं मैं। मेरे दिन भी कटते हैं और कुछ बदला चुका भी पाता हूं, और इसी तरह अगर कोई किसी दिन मार देगा तो बदला पूरा हो जाएगा, चाहे मुसलमान मारे चाहे हिंदू। मेरा मकसद तो इतना है कि चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे मुसलमान हो, जो मैंने देखा है वह किसी को ना देखना पड़े, और मरने से पहले मेरे घर के लोगों की जो गति हुई वह परमात्मा ना करे किसी की बहू बेटियों को देखनी पड़े। इसके बाद बहुत देर तक गाड़ी में बिल्कुल सन्नाटा रहा। अलीगढ़ के पहले जब गाड़ी धीमी हुई तब सुरैया ने बहुत चाहा कि सरदार से शुक्रिया के दो शब्द कहे, पर उसके मुंह से बोल नहीं निकला। सरदार ने ही आधे उठकर
ऊपर के बर्थ की ओर पुकारा, काका उठ, अलीगढ़ आ गया है। फिर हिंदू महाशय की ओर देखकर बोला, बाबू साहब कुछ कड़ी बात कह गया हूं तो माफ करना, हम लोग तो आपकी शरण में हैं। हिंदू महाशय की मुद्रा से स्पष्ट दिखा कि वह सिख न उतर रहा होता तो वे स्वयं उतर कर दूसरे डिब्बे में जा रहे थे। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।